चलो ट्राइपॉड पे चलो। ऑडिशन है हमारे, इससे पहले ऑडिशन हो चुके हैं, जो ये टोटल ऑडिशन 27 सिटीज में होने हैं। हमारा पहला ऑडिशन धवल, उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और ग्वालियर, ये हो चुके हैं। और कल का हमारा जो ऑडिशन है वो पूना में है। इसका फिनाले है जो हमारा वो 20 अप्रैल को है, और फिनाले तक हमारे साथ अपने सरोज खान जी, अशोक डी स्टार जी और गुनी चौधरी जी और हमारे सर रेहाल सॉरी शाहन जी और आप सब तो साथ रहेंगे। बाकी इस शो को खत्म करने के बाद मूवी का प्लान है जो हम मई में शूट करेंगे। और कोई बात पूछना सर आप बोलो। मैं अपना डांस एक्सप्रेशन वो है या नहीं है, मतलब लाइक है नहीं है ये देखना है। मुझे मालूम है कि मुझे बुक किया गया कि मैं टाइम देखूं, परखूं और उनको पसंद हूँ, ताकि उन लोग आगे जाके इनकी पिक्चर में भी काम करें, इस रियलिटी शो में अव्वल नंबर आए। बस ये एक चीज़ खास है कि पिक्चर साथ साथ में, कि टैलेंट करने के बाद बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या हमें मौका मिले। इन लोग पिक्चर साथ ही में लॉन्च कर रहे हैं और सब नए बच्चे लेके जो बना रहे हैं, तो बहुतों को मौका है। हम कोशिश करूँगी कि मैं डांस सीखूँ कि उन लोग कुछ अच्छा नाचें, कोशिश ये पिक्चर में भी कुछ अच्छे दें, क्योंकि कंटेम्प्रेरी और हिप हॉप देख देख तंग आ गए हैं और बनाए। क्या बोल सकते हैं, जैसे सब वक्त बदली होता है हम पब्लिक के साथ साथ जाना है। अभी पब्लिक जैसा इंग्लिश गाना शुरू हो वैसे पहले जाते इंडियन गानों के लिए, अभी जाते हैं वेस्टर्न गानों के लिए। हमें कुछ वापस हमारी चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि बाजीराव में इस वक्त इंडियन डांस भी आपको बिठा देता है। मेरी जनरेशन में तो माधुरी दीक्षित लाई जो पूरी लाइफ उसके बाद कभी आया नहीं। अभी जो है दीपिका इज वेरी गुड, शी थिंग्स ऑलवेज इन नाइस एंड नाचती भी अच्छी है, सुपर। इन माय ओन लिटिल वर्ड्स दे मस्ट ट्राई हार्ड, क्योंकि मैं एमए ही नहीं जाने दूंगी, अच्छा होगा तो ही लूंगी नहीं तो नहीं लूंगी। जो ये टैलेंट है आ रहा जो, इसमें हम लोग हिंदुस्तान एक सरप्राइज देने वाले, इसमें हम लोग गाँव से शहर से हम लोग एक अच्छा से अच्छा टैलेंट ढूंढ के हिंदुस्तान के सामने रखेंगे, और जितने भी हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, जितने बॉलीवुड के अंदर लोग हैं, सब लोगों के सामने हम पेश करेंगे, देखेंगे कि हाँ वाकई में हिंदुस्तान में टैलेंट इतना है कि वो सामने तक नहीं आ सकता, तो उसका हम एक जरिया बने हैं। और जैसे हमारे श्री राधे श्याम फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने ये एक बहुत ही जिम्मेदारी दी हमें, और सरोज मैम का भी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हम उस टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के सामने रखें और आप सभी लोगों के थ्रू हम दुनिया को दिखा सकें। हाँ
अभी ये हमारे जो कंपनी के एंड एक्चुअली पहले मूवी बनाने का ही था टारगेट, तो इन्होंने ना सोचा कि हम लोग मूवी तो बना रहे हैं, मूवी में हम जो कास्ट लेंगे वो तो लेंगे लेकिन कुछ क्यों ना ऐसा टैलेंट आ जाए कि जो मतलब मूवी में भी कुछ यूनिक हो। तो जो हमारे शो में जैसे सिंगिंग में एक्टिंग डांसिंग में जो भी हमारे धुरंधर मिलेंगे, जो भी डिफरेंट टैलेंट मिला उसको हम 100% उसको मूवी में चाहेंगे, और ये मूवी का मई में स्टार्ट करने का अपना पूरा प्लान है अपना। जो भी मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छा बहुत सुनहरा मौका है, और इस प्लेटफॉर्म में आप लोग आएँ, आप लोग इसमें हिस्सेदारी लें, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जिसके अंदर टैलेंट होगा वही आगेगा, इसमें कोई किसी नहीं है, कोई भी इसमें बनी नहीं है, जो रियल है, जो रियलिटी है वो रियल टैलेंट को हम ढूंढ के हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग आइए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, और मुझे लगता है कि ये इससे कम होगा अभी फ़िलहाल तो आप लोगों को नहीं मिल सकता। Thank you.